सुबह की नाश्ते की तैयारी होने लग गई है। नाश्ते में मम्मी ने बताई जैसे बनाने की सोची है माड़ा, कब परसों नरसों की बात हो गई थी माड़ा बनाएंगे और आज बना रही है। और कल रात को जो सब्जी बनाई थी आलू मटर की उसी के साथ खाएंगे, और थोड़ी बहुत चाय बनाएगी तो पता नहीं। ये माड़ा बनाकर माधव और केशव को तो दे दिया है, अभी हमारे लिए बन रहा है। और दीदी गई है नहाने अपने भगवान के लिए बनाने की सोची। मैंने कहा बासी आटे की रोटी क्या बनाऊं, बासी रोटी की आटे की रोटी तो ये लोग भी खा ही लेते हैं, मैंने कहा माड़े बनाती हूँ। नैतिक भी बोल रहा था काफी दिनों से, तो मैंने कहा चलो माधव काफी दिनों से एक ही दिन तो बोला माधव और केशव के लिए भी हो जाएगा और ये भी खा लेते। मम्मी और दीदी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। ये देखो मेरे गाने चलने में बंद करके अपना फोन ले गए, लगाया गाना तेरी बातों में से उलझा दिया। मैं वीडियो नहीं बना रहा था, जबरदस्ती मेरा बू पकड़ के वीडियो बनवाई। और आप देखो अपने इतनी ठाट से खाना खा रहे हैं, ये क्या मस्त खाना। और इसे देखो उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने सब खो दिया, मैंने माड़ा और दिल खो गया सब्जी और सॉस और चाय। चाय तो इसी मोटी ने पी लाई, दीदी थी चोरी कर ली मोटी ने, काम धंधा कुछ है नहीं। और ये यहाँ पर कुमकुम भाग्य भी देख रही है, तो खाना ही भूल गई, थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो। लेकिन ये सही खा देती हूँ, ये वाली दवाई ला दी ना पिंकू, ये वाली दवाई बड़ी अच्छी थी, इससे मुझे आराम हुआ था, खा लेती हूँ। अभी एनर्जी आ रखी है, नहीं खाऊंगी, काम करते करते शाम तक फिर बैंड हो जाऊंगी। मम्मी ने माधव और केशव के कपड़े धो दिए हैं और अब सुखाने भी लग गई। यहाँ पे मम्मी फिर से घायल हो गई है, हाथ में पकड़ लिया है बिक्स, नाक में डाल लिया है, जो भी है इससे नाक साफ हो जाती है, सांस आती है आराम से, नाक के नथुले भी दिखा रही है। अब फिर से हो गई आलस मरने जैसी, अब बिक्स लगाती है और मुझसे पानी मंगाएगी, फिर गोली खाएगी। गले में लगा दो इसको, अभी बजे हुए हैं रात के 7 बज चुका है और मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। खाने में बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी और थोड़ी सी चटनी। यहाँ पर मैंने काट लिया है मोटा मोटा टमाटर, यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी कटी हुई है और यहाँ पर हो गई है चटनी की तैयारी। तो रख दी मैंने कढ़ाई, थोड़ा सा जीरा डाल रखा है, तेल गर्म हुआ नहीं हुआ करके, तो हो गया तेल गर्म। तो छोप के मैं आ चुकी हूँ अभी, और मेहमान मैं बोला था मैंने आप लोग से आने वाले करके, लेकिन कोई भी नहीं आया। स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक ही हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, ऐसे ही लग रहा है, अजीब सा ही हो रखा है। और खाली जेठ जी आए हैं और जेठानी भी नहीं आई, जेठानी भी आने वाली थी, तो जेठानी को तो खैर क्या गिनूँ मेहमान की गिनती में। लेकिन प्रियांशु मेरे भतीजे के थोड़ा सा पाँव में मोच आ गई है, तो इस वजह से प्रियांशु और वो दोनों माँ बेटे नहीं आई, खाली भाई साहब आ रखे। और जो थोड़े बहुत मेहमान आने वाले थे गांव से, तो काफ़ी दूर से आ रहे थे वो लोग, 8-10 घंटे का सफ़र करके आ रहे थे, 7-8 घंटे का सफ़र करके आ रहे थे, तो सबको तो उल्टियाँ वगैरह हो रही थी, तो परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा सीधे शादी वाले घर में जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर कल ही उनको सीधा मिलेंगे। आप पहचानते भी नहीं हैं, हम लोग भी उनको नहीं पहचानते, मतलब रिश्ता है लेकिन पहचानते नहीं है। थोड़े बहुत से अच्छे से जान पहचान है, वो है मेरी सास के मायके वाले जो वो अल्मोड़ा पर रहते हैं, तो हम लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता नहीं है, दूर है, तो एक हाथ ही लोगों को हम पहचानते, तो उन्हीं के साथ आ रहे थे। मतलब है तो सारे रिश्तेदार में ही है, मेरी सास के मायके वाले हैं। तो बस यहीं पर तक मैं भी अपनी ब्लॉगिंग की एंडिंग कर देती हूँ, तो स्वास्थ्य थोड़ा ढीला ही चल रहा है, ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते रहे, मैं दीपा गोसाई के साथ, बाय बाय। और हाँ, आज वहाँ मेहंदी है, तो रात में हम भी मेहंदी लगाएंगे, ब्लॉग बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन बना लिया ठीक है, नहीं बनाया ठीक है, लेकिन मेहंदी आज लगाएंगे क्योंकि आज वहाँ मेहंदी है। हम लोग कोई नहीं जा रहे हैं, ठंड हो रही है, मूड नहीं है, रास्ता भी मतलब बहुत वैसा रास्ता है आने जाने के लिए, और वहाँ पर रहने जा नहीं सकते हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, दूर उनका घर नहीं है, लेकिन अपना साधन नहीं है, तो हमारा आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बाइक में हम लोग सभी लोग जा नहीं सकते पूरी फैमिली, तो वैसे टुक टुक ऑटो वगैरह की सवारी करके काफ़ी दिक्कतें होती है, तो इसलिए हमने सोचा कल हल्दी है, देख हल्दी में अगर मेरी नंद आ गई तो जाएंगे। तो मैं सोची थी जेठानी आ जाएगी, नंद आ जाएगी, तो खुशी खुशी साथ में मिलते हुए जाएंगे हंसते खेलते हुए। अब देखो अकेले तो मेरा मन भी नहीं करता घर से बाहर निकलने का, तो कैसा रहता है कल को हल्दी में जाते हैं या नहीं जाते मुझे कुछ नहीं पता। मेरी अगर नंद आ गई तो टाइम से पहुँच गई तो चले जाएँगे, तब तक के लिए राधे राधे।